तो विद्रोह, आपने दो बहुत ही पॉपुलर दो टर्म सुने होंगे, एक होता है लॉयर, एक होता है एडवोकेट। आप लोग किसी को भी लॉयर कह सकते हो, किसी को एडवोकेट कह देते होगे। लगते दोनों सिनोनिम है, लेकिन दोनों में बहुत ही फर्क होता है। तो चलिए, आपने कभी, आप लोगों को आज मैं यही बताने वाला हूँ आखिर दोनों में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है लॉयर में और एडवोकेट में। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मिलते हैं आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। तो आई एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मुझे सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए, ज्यादा समय लेते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए, अब आपको बता दूं, लॉयर और एडवोकेट दोनों लगते तो दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, लेकिन डिफरेंस बेसिकली बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। जो लॉयर होता है वो एक लॉ ग्रेजुएट होता है, जो ग्रेजुएशन किया होता है लॉ में और लॉ की डिग्री होती है उसके पास, कानूनी सलाहकार होता है। लेकिन उसके पास यह अधिकार नहीं होता है कि वो जा करके कोर्ट में आपके आपको प्रस्तुत कर सके, आपकी पक्ष ले सके। और वही जो एडवोकेट होते हैं वो लॉयर हो सकते हैं, लेकिन एक लॉयर एडवोकेट हो ऐसी संभावना नहीं है। तो क्या है, जो एडवोकेट होते हैं वो लॉ की डिग्री करने के बाद जब वो अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में करा लेते हैं, और उसके बाद से उनके पास यह अधिकार हो जाता है कि वह कोर्ट में जाकर के आपके पक्ष को प्रस्तुत कर सके, तो ऐसे लॉयर ही एडवोकेट कहलाए जाते हैं। यानी कि छोटा सा डिफरेंस है, यानी कि जो लॉ ग्रेजुएट है वो लॉयर लॉयर है, और जिसने जिसका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में हो चुका है और आपके केस को कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं एडवोकेट। तो होप आप लोग समझ गए होंगे आखिर में माइनर सा डिफरेंस क्या है लॉयर एडवोकेट में। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी मैं वीडियो में देता रहता हूं, तो आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर एक इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।